देश भर में टीकाकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। आगामी कुछ सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भयावह हालातों को देखते हुए शासन प्रशासन लगातार तीसरी लहर से निपटने के तमाम प्रयासों की तैयारियां की जा रही है। वहीं कोरोना महामारी के लगातार घातक परिणामों को देखते हुए आम आदमी भी टीकाकरण में रुचि ले रहे हैं। इसी तारतम्य में आज फिर नगर राजगढ़ के शासकीय उच्चतर बालिका विद्यालय में कोरोना टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय डोज लगाए गए। टीकाकरण के लिए कुल 400 डोज प्राप्त हुए, इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों शामिल हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण टीकाकरण किया गया, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। आज राजगढ़ वैक्सीनेशन सेंटर पे 400 डोज प्राप्त हुए हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रकार के डोज हैं। और सर जैसे कि कोविशील्ड का डोज प्राप्त हुआ है। और सर जैसे कि वैक्सीन को लेकर अभी नगर में परेशानी हो रहा है, जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे जनता परेशान भी ना हो और वैक्सीनेशन शांत वातावरण में हो सके? वैक्सीन के लिए थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि प्रशासन भी लगी हुई है अपने स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि हर एरिया तक, हर कस्बे गाँव को भी कवर करे वैक्सीनेशन के लिए। तो थोड़ा सा जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा प्रशासन को, तभी ये सफल हो पाएगा। ठीक है सर, आपका नाम? डॉक्टर राहुल कुलत्या, मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी राजगढ़। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।